Welcome students, this is the third part of the chapter National Income. In this I am going to teach you how to calculate national income. Basically जो national income है वो हम तीन टाइप से तीन मेथड से basically हम लोग calculate करते हैं. पहला है आपका product method. इस method को value added method भी बोलते हैं. सेकेंड है आपका इनकम मेथड और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. तीनों मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो जानने से पहले और किस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उससे पहले हमको कुछ रूल समझने होंगे. बेसिकली मैं इनको गोल्डन रूल्स बोलती हूँ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग दीज मेथड्स. सो पहला हमारा गोल्डन रूल है, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को, दैट मीन्स कोई भी आपको डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आपको करना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो आपको करना है माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. दैट मीन्स अगर आपको डोमेस्टिक इनकम अगर दिया गया है और अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो आपको प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करना होगा. अब ये होता क्या है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो हमारे कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं वर्क करने के लिए और वहां पे उनकी जो फैक्टर इनकम होती है वो अर्न होती है. और उसी तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में आते हैं, दैट मीन्स जो डिफरेंट पीपल हैं हमारी कंट्री में आते हैं और वो वर्क करते हैं, तो क्या जनरेट होता है, फैक्टर इनकम. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. दैट मीन्स जो हमारी कंट्री के कुछ लोग हैं और बाहर की कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं और वहां पर जो भी उन्होंने इनकम जनरेट करी है उसमें से जो हमारी कंट्री में बाहर के लोग वर्क कर रहे हैं और उन्होंने जो फैक्टर इनकम जनरेट करी है वो माइनस करना है. दैट मीन्स वट एवर वी आर इनकम वी आर गेटिंग फ्रॉम द एब्रॉड माइनस वट एवर फैक्टर इनकम वी हैव टू पे टू एब्रॉड. सो फैक्टर इनकम From abroad minus factor income to abroad is equal to net factor income from abroad. Next golden rule है, अगर आपको gross से net पे जाना है तो आपको minus depreciation करना होगा और अगर आपको net से gross पे जाना है तो आपको plus डेप्रिसिएशन करना होगा. थर्ड, मार्केट प्राइस, दैट इज एमपी से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट और एफसी पे जाना है तो आपको माइनस NIT, दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा. ऐसे समझिए कोई भी जो गुड है वो जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे जब वो फैक्ट्री से, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री के गेट तक इसका जितना भी जो कॉस्ट आएगी दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट. लेकिन जैसे ही ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में चला जाता है तो मार्केट में जाने पर इसमें काफी सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, सब्सिडीज ऐड हो जाती हैं.
तो जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें कुछ चीज प्लस हो जाती है, जैसे कि टैक्सेस, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस होता है वो जनरली हमारा हाई होता है। इसीलिए अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको ये सब माइनस करना पड़ेगा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे आना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो बेसिकली अगर हम बात करें NDPFC, ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। सो डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एन स्टैंड्स फॉर नेट। नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट और इनकम इज सेम, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वी आर कैलकुलेटिंग NNPFC। सो लेट अस अंडरस्टैंड अवर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रोडक्ट मेथड और द वैल्यू एडेड मेथड। जनरली वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या लेते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो प्रोडक्शन लीड्स टू वैल्यू एडिशन, बिकॉज जब भी कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है दैट मीन्स दैट प्रोड्यूसिंग यूनिट इज एडिंग सम वैल्यू टू द प्रोडक्ट, सो दैट इज वैल्यू एडेड। सो बिकॉज एज वी ऑल नो प्रोडक्शन लीड्स टू वैल्यू एडिशन, इसीलिए हम वैल्यू एडेड मेथड को और प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। अब जो वैल्यू एडेड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वैल्यू एडेड को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट। पहले बात तो हमको ये समझना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सो चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो एक्चुअली हमारे जो कंट्री में जो मार्केट वैल्यू है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी क्या होगी, सारी सेल्स हो गई।
लेकिन होता क्या है कि जो जितनी भी सेल है वो जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में जितना भी जो प्रोडक्ट है वो पूरा जिस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ है उसी टाइम पे सेल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन स्टॉक जो है वो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का वो पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने वो पूरा प्रोड्यूस किया था लेकिन सब कुछ सेल नहीं हुआ है। अब इसमें से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि आपने यूज़ किया था फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, कोई भी अपने रॉ मटेरियल अगर आपने यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन पर्पस उसको आप माइनस कर देते हैं, दैट इज़ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस तरह से हमारा जो है जो वैल्यू एडेड मेथड है वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है उसको हम GDP MP भी बोलते हैं। GDP MP दैट मीन्स G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। सो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हम इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है हम उसको डिलीट कर रहे हैं और उसको माइनस कर रहे हैं। हम उसको माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं किया सो दैट वुड लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आप ऐसे समझिए, एक फार्मर है जो कि वीट प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मर ने जो भी वीट प्रोड्यूस किया था उसने फ्लोर मिल को दे दिया है और फ्लोर मिल ने देन फर्दर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसने बेकर को सेल कर दिया। देन बेकर ने अपना जो भी बिस्किट वगैरह जो भी बनाया उसने वो बिस्किट शॉपकीपर को सेल कर दिया एट 300 रुपीज़। अब क्या है, अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और हम जो हमारी जो इनकम है उसको जब कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को और जो इंटरमीडिएट जो गुड है उसको हमने माइनस नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो डबल काउंट हो जाएगी। कैसे समझते हैं, जो फार्मर है, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फार्मर ने कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं किया, दैट मीन्स उसने डायरेक्टली जस्ट वीट प्रोड्यूस किया और उसने फ्लोर मिल को 100 रुपीज़ में बेच दिया। तो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ प्लस जो फ्लोर मिल है उसने बेकर को 200 में बेच दिया, प्लस 200 रुपीज़ प्लस जो बेकर ने है जो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ में बेच दिया, 300 में। तो बेसिकली हमारी जो नेशनल इनकम काउंट हुई वो कितनी काउंट हुई, 600 रुपीज़। लेकिन ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका क्यों है? बिकॉज जो फ्लोर मिल ने जब बेकर को जब सामान बेचा था 200 रुपीज़ में उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट है दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 100 रुपीज़ इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमने क्या किया कि हमने जो उसकी जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी उसको हमने दो बार काउंट कर लिया। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालेंगे दैट मीन्स कि फ्लोर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड करी इस वीट में, दैट मीन्स इसने इस वीट को पीस कर फ्लोर बनाया और उसने 200 रुपीज़ में उसको बेचा, तो उसने बेसिकली कितनी वैल्यू ऐड करी? सो फ्लोर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 200 माइनस 100 रुपीज़। सो ओनली 100 रुपीज इज वैल्यू एडेड बाय द फ्लोर मिल। वाई? बिकॉज 100 रुपीज इज द इंटरमीडिएट कॉस्ट और द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। तो बेसिकली जो फ्लोर मिल ने उसने कितने का वैल्यू एडेड किया, उसने ऐड किया सिर्फ 100 रुपीज का। उसी तरह से हम अगर हम बेकर की बात करें तो बेकर ने कितना ऐड किया है इसमें, बेकर का है 300, तो उसने उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है दैट मीन्स उसने जो आउटपुट बेचा है वो 300 का है, माइनस 200 तो उसका
जो वैल्यू है उसकी, जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो 200 माइनस करेंगे तो बेसिकली जो बेकर है उसने कितनी कॉस्ट ऐड करी है, सॉरी उसने कितनी वैल्यू ऐड करी है, उसने ऐड करी है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज. तो हम बेसिकली अगर वैल्यू एडेड मेथड से निकालेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 रुपीज वैल्यू ऐड करी फार्मर ने, देन प्लस 100 रुपीज वैल्यू ऐड करी किसने, फ्लोर मिल ने, प्लस बेकर ने बिस्किट बनाया और उसमें उसने कितनी वैल्यू ऐड करी शॉपकीपर को जो बेचा था, उसने ऐड करी 100 रुपीज. तो बेसिकली हमारी जो नेशनल इनकम निकली वो 300 रुपीज निकली. लेकिन जब पहले हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारी वैल्यू कितनी निकली थी, हमारा जो आउटपुट है वो कितना निकला था, नेशनल इनकम शो कर रही थी 600 रुपीज, विच इज द ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम. सो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग इज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस. And it happens because when we fail to draw the distinction between the final good and the intermediate good, which leads to overestimation of national income. तो इस problem को solve करने के लिए, so इस problem को avoid करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं. पहला final output method. That means you have to take only the final value of the output, that is the 300 rupees or value added method. That means आप हर स्टेज पे हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने कितनी वैल्यू एड करी उस प्रोडक्ट में, जब हम वो कैलकुलेट करते हैं दैट इज एडेड और दैट इज कैलकुलेटेड वाया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो वैल्यू एडेड से मेथड से हमने निकाला था 300 रुपीज, तो दोनों ही सेम है. तो इस तरह से जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है. अभी मैंने आपको बताया कि एंड में जब हमने वैल्यू एडेड मेथड से और जो प्रोडक्ट मेथड से हमने जब कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, विच इज नथिंग बट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये तो अभी हमने सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला है. हमको क्या निकालना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, हमको निकालना है NNPFC, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, GDP MP से हमको जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये क्या है, फर्स्ट जी ग्रॉस. सो गोल्डन रूल से हमको पता चलता है ग्रॉस से ये पहला वाला एन क्या है, ये है नेट. नेट पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन. तो हम क्या करेंगे, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन. तो क्या चेंज हुआ है हमारा, हमारा सिर्फ पहला वाला जी चेंज हुआ है और जो ग्रॉस है वो क्या बन गया है, नेट. तो हमारा क्या निकला है, NDP MP. लेकिन हमको जाना कहां तक है, हमको जाना है NNPFC. तो इसका मतलब फर्स्ट जो एन है वो सेम है, उसके बाद हमको डी चेंज करना है. जो सेकंड वाला जो इसका जो डी है, डी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक. और जो सेकंड एन है यहां पे इसका क्या मतलब है, नेशनल. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको पता है गोल्डन रूल से हम क्या करते हैं, हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस. सो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो बेसिकली हमारा जो NDP MP था उसमें हम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP. और हमको कहां तक जाना है, हमको जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC.
दैट मीन्स सारे जो लेटर्स हैं वो सेम हैं, सिर्फ हमको एमपी से एफसी पे जाना है। और गोल्डन रूल से हम जानते हैं कि एमपी से एफसी तक जाने के लिए हमको क्या करना होता है, वी हैव टू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन एन पी एफ सी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेशनल इनकम। सो बेसिकली आपको जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मेथड है या फिर वैल्यू एडेड मेथड है या फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें आप पर्टिकुलर एक यूनिट तक आ जाएंगे। दैट मीन्स आपका या तो जीडीपी एमपी निकलेगा या फिर एनडीपी एफसी निकलेगा। उसके बाद आपको गोल्डन रूल्स को यूज करते हुए आपको एनएनपी एफसी तक आना है, जो कि हमारा नेशनल इनकम है। इस मेथड को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ही दिया हुआ है। तो बेसिकली ये वैल्यूज दिए गए हैं, ये आइटम्स हैं, ये वैल्यूज हैं। हमको कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी एंड जीडीपी एफसी और द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हमको पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमने फॉर्मूले से लिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, अगर हम फर्म ए का निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमको पता है कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फर्म ए की सेल्स कितनी है, 100, देन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फर्म ए का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हम फर्म ए का देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है फर्म ए का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 25। सो 20 माइनस 25 इज -5। इसका मतलब ये है 100 इज द सेल ऑफ फर्म ए। इधर हमने प्लस माइनस माइनस किया तो एक्चुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकला हमारा, हमारा निकला 95। अब हम वैल्यू और द ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मार्केट प्राइस है उस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज द 95 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, जो कि परचेज किया है फर्म ए ने, दैट मीन्स परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40। इसीलिए हमने 95 माइनस 40 किया तो क्या निकला हमारा, 55। तो ये जो है इट इज नथिंग बट द वैल्यू एडेड। कितना वैल्यू एड किया इन्होंने, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज 55। फर्म बी का हम निकाल लेंगे सेम तरह से, सेल्स सेल्स बाय द फर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कैसे निकालना है, सेल्स कितना हुआ फर्म बी का, फर्म बी का सेल्स है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो कैसे निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म बी इज 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म बी इज 45, देन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, दैट इज द परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, दैट इज 60 लाख। इसको एंड में हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ये कैलकुलेट करने के बाद निकला हमारा 130। सो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी कितना हुआ, 130। और हमको क्या निकालना है, एक पहले
पहला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, और सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एफसी और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इकोनॉमी में दोनों ही जो फॉर्म है उन्हीं उन दोनों की ही वैल्यू एडेड को हम प्लस करेंगे। कैसे निकालना है वैल्यू एडेड, और द यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ, जीडीपी एफसी निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। कितना आया, 55 प्लस 130, ये आया हमारा 185। अब ये जो आया है, ये आया है हमारा जी डी पी एम पी, और हमको क्या निकालना है, एफ सी। दैट मीन्स 185 में से हमको इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा ये। दैट मीन्स 185 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म इज 30। सो जी डी पी एफ सी हमारा कितना निकला, ये निकला हमारा 155। इस तरह से ये जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको यूज किया जाता है। सो दिस मेथड इज ओवर नाउ, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।